एक मोमिन का सीना, एक मुसलमान का सीना मुकैद कैसे कर दिया आपने या मैंने कि भाई ये है तेरी जिंदगी की, भाई ये कुआं, कुएं में बैठा एक मेंढक, काश अगर मगर चूंके चुनाचे, अपने भाइयों बरादरियों सोसाइटियों शहरों से प्रोटेक्शन लेने वाला शख्स। डर देखें कितना है हमारे अंदर कि अगर मैं ये चार छह चीजें छूट गई तो मैं खत्म हूं। शेर तो वो है जो अपनी टेरिटरी खुद मार्क करता है, खुद क्लेम करता है अपनी सल्तनत, कोई नहीं होगा उसके। ब्लैक एंड व्हाइट में कायर रहते हैं, शेर ग्रे में पैदा होता है, ग्रे में, जहां दोस्त भी मुहैया नहीं होगा, दुश्मन भी मुहैया नहीं होगा, सीरत भी नहीं मिलेगी, उस्ताद ही नहीं मिलेंगे उस फील्ड के अंदर, मशवरा देने के लिए साया नहीं होगा साथ में, वहां बनती हैं चीजें। तो बड़ी बात है मेरे भाई, महफिल में कुछ ऐसी रूहें बैठी हैं और मेरे बुजुर्ग भी बैठे होंगे जिन्होंने फैसला किया यार मैं ये नहीं, मैं ये जिंदगी नहीं जी सकता, इतनी सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश लाइफ नहीं मैं गुजार सकता कि सब कुछ मेरे से शुरू होता और सब कुछ मेरे पे खत्म हो जाए। ये जिंदगी, ये मियार ही नहीं है जिंदगी का। दुनिया की कदावर हस्तियां जो आई हैं वो अपने आप से आजाद थे, 40-40 साल उनकी ट्रेनिंग हुई है तन्हाइयों के अंदर, 36 साल की उम्र में कायनात का सबसे बड़ा लीडर छोड़ गया भाई, वो हट गया सिस्टम से, गार में चले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि भाई मैं अब नहीं और ले सकता, ये बहुत गंद है इसके अंदर, ये बहुत फिल्थ है इस सोसाइटी के अंदर, बहुत मसनूयत है ख्वाबों को परवान चढ़ने के लिए, अपने कत्ल का एक रिवाज बनने के लिए, मिजाजों को एक समाज बनने के लिए, लफ्जों को एक कलाम बनने के लिए, कलामों को वो किताब बनने के लिए, किसी के सीने का एक एहसास बनने के लिए, वक्त की नजाकत में एक रफाकत बनने के लिए तन्हाइयां चाहिए होती हैं, तन्हाइयां। और हम लाइमलाइट के लाइमलाइट, बड़े बड़े लोग जिन्होंने सिस्टम खड़े किए हैं दुनिया के अंदर, कुफार के हों या हमारे, इवन दुश्मनों के भी आप बड़े लोग उठा के देख, आजाद थे वो अपने आप से आजाद। नेल्सन मंडेला की इसने मिसाल दी मेरे भाई ने, नेल्सन मंडेला के बारे में मेरे भी 2.50 सेंट्स ले आप यहां पर। नेल्सन मंडेला को ऐसी जगह सजा दी गई थी कि उसे टच करने की सजा दी गई थी कि इसको टच कोई नहीं कर सकता, नोबडी विल टच नेल्सन मंडेला, तो उसकी फैमिली दूर से मिलती थी, उसको इतनी सख्त सजा दी। उसके जेलर ने कहा था, उसके जेलर ने कहा था नेल्सन मंडेला के, कि मैं वो वाहिद शख्स हूं, मैं दुआ करता हूं तुझे सजाए मौत दे दी जाती, मैं दुआ करता हूं तुझे सजाए मौत मिल जाती, ये जो उन्होंने तुझे सजा दिया ना कि तू बैठा है यहां पर, तुझे छू भी नहीं सकता, ना तू किसी को छू सकता ना कोई तुझे छू सकता। 20 साल के बाद जब वो मैदान में उतरा है ना, 20 साल के बाद जब वो मैदान में उतरा है, ऐसा फ्रेश था वो अपनी जंग के अंदर कि उसने पहले दिन आते साथी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज, प्राइम मिनिस्टर, जितने बड़े चौधरी बैठे हुए थे सिस्टम के, उसने पहले दिन आके बोला जेंटलमैन सिट डाउन नाउ आई विल टॉक। 20 साल तैयार था वो, 20 साल तैयार था कि उसने बोलना क्या। आप जितनी भी उम्र रसीदा लोगों से मिलेंगे वो आपको हमेशा सही बात करेंगे। ये जवानियों का जो इल्म होता है ना, ये बड़ा बर्बाद करने वाला इल्म है, जान भी इसमें बहुत है, जवानी का इल्म तगड़ा इल्म होता है, इट्स वेरी पावरफुल। ये जो जितनी भी जवान बैठे हैं ना यहां पर, ये इल्म बड़ा गर्म इल्म होता है, लेकिन ये इल्म बेवकूफ भी बड़ा होता है। ये जवानी का इल्म बहुत तेज होता है, बहुत तजर्रा होता है इसके अंदर, तेजी बहुत होती है इस इल्म को कि मैं जल्दी कुछ बन जाऊं, मैं जल्दी पहुंच जाऊं कहीं पर। इल्म पढ़ना हो हमारे इस्लामी रिवायत का, और वैसे भी इल्म और फनून और उलूम का एक बड़ा शियार यह है कि वो सफेद बालों से लिया जाना चाहिए। हमारे एक उस्ताद थे, कहते थे मुंडा तू तेज है, किताब ना लिखी 40 साल तो पहले, इल्म को मुख्तलिफ घाटियों से उतरने दे, इल्म को उतरने दे मुख्तलिफ डायनामिक्स और मुख्तलिफ डेमोग्राफिक्स, फिर तुझे समझ में आएंगी ये वसतें क्या होती हैं, ये तवस्सो, ये तनव्वो, ये तवस्सुत, ये तुझे बाद में बड़ी बड़ी बातें समझ में आएंगी कि ये बीच के रास्ते क्या होते हैं। फैसले नहीं किए हमने। तो सलाम है उन लोगों को, सलाम पेश करता है ये कौम का नौकर, कि जिनका तसव्वुर तखय्युल, ये भाई बैठा है सामने जिसने मुझे दावत दी है आज, सलाम है तुझे भाई, मेरे शेर मेरे शहजादे,
अहमद अली शराफी भाई के सफ़े के ऊपर एक चीज़ आ गई, सलाम, वरना लोग मिले काश अगर मगर चूंके चुनाचे। पाकिस्तान एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये सुनते सुनते कान पक गए हमारे। लोग मिले पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर, कब नहीं गुजर रहा था। मैं 81 की पैदाइश हूँ, 41 साल का हो गया, 42वें में लग गया हूँ, यही सुनते आए एक नाजुक दौर से गुजर। तूने क्या किया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम के तहत, व्हाट डिड यू डू फॉर इट। हालात तो हमेशा से खराब थे, तू की कीता भाई, व्हाट डिड यू डू फॉर इट। माज़ा फ़अलता, तूने क्या किया इसके लिए। अल्लाह ने तुझे पूरा मुल्क चेंज करने के लिए थोड़ी कहा। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अपनी इस्तताअत के तहत बता कितना इंकलाब लाया जिंदगियों के। ये बड़ी बात है कि तुझे अल्लाह पूरे मुल्क की चौधराहट दे दे, ये तो अल्लाह की अता है, ये तो कस्बी चीज ही नहीं है, अता ही है। तो सर बड़ी बात है कि आप आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए अपने आप से, बड़ी बात है। इन नफ्स अमारतुम बिसू, अल्लाह कहता है इंसान खोल ही नहीं सकता आंख, नफ्स ही मत खत्म कर देगा उसको, जो इसको 20-25 साल पिलाया होता है ना, उसमें जुर्रत शुजात डाइवर्सिटी इंक्लूजन इनोवेशन तनवो ये बातें ही नहीं होंगी उसके अंदर। मेरी 4 गड्डियां और 6 की मेरी 10 हो जाए, उन्होंने 1 कनाल की कोठी होगी साढ़ी 2 कनाल की, ये सोच है कंपेरेटिव तकाबुल के साथ हमने औलादे पाली हैं कि पुत्र यह जड़ी नक हैगी ना 2 इंच तूनों और वड्डी करनी है। ये कहां सिखाया गया है कि किरदार को मुकाबले में लेके आ मैदान के अंदर, किरदार से मार, तंग कर सिस्टम को, सिस्टम को तंग कर अपने किरदार के साथ। अमीरी में फकीरी अपना, फकीरी में अपनी अमीरी अपना ले। इकबाल कहता ही रह गया ये कि खुद ही मत बेच, फकीरी में नाम पैदा कर, गरीबी में नाम पैदा कर, फकीरी में नाम